जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। आप सभी को तीजा पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और अभी गणपति जी का पूजन जो होगा उसके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखते हैं वायु तत्व की जो तीन राशियां है मिथुन तुला कुंभ, उनके लिए उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिले और गाइडेंस मिले। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सएप में हो सकता है कि इस मंथ में आपको कम दिनों के लिए यहाँ पर बुक हो आपकी रीडिंग, तो नेक्स्ट मंथ तक आप वेट कर सकते हैं। तो आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। हम जैसे कार्ड्स निकाल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे सारे जो तत्व है उनके लिए। अच्छा, वायु तत्व के लिए मैं कुछ बताऊँगी। वायु तत्व वाले जो होते हैं वो देखिए, डिसीजन तो कभी कभी क्या होता है कि जल्दी जल्दी लेते हैं किसी भी चीज़ का, कोई भी कार्य। बॉटम ऑफ द डेक में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। डिसीजन जो है इनका जल्दी जल्दी होता है और अगर ये अपने आप को दृढ़ रखते हैं, जब ये इनके अंदर दृढ़ता आती है ना, तब ये अपने कार्य को काफ़ी गंभीरता से लेते हैं। उससे पहले थोड़ी सी इनमैच्योरिटी रहती है कुछ लोगों के लाइफ में, और जब ये इनमैच्योरिटी करते हैं तभी इनको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, तभी इनको स्थिति का, लोगों का जो है ना पहचान नहीं हो पाता है। मतलब कौन सोल फैमिली में है, कौन कार्मिक फैमिली में है, इस चीज़ों का जानकारी नहीं हो सकता, क्योंकि सरल हृदय के भी होते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं वायु, वायु क्या करते हैं, कहीं ना कहीं सडन आता है ना, तो इनके लाइफ में कोई भी चीज़ें सडन आती है और इनको समझने में काफ़ी समय लगता है। अगर इनका साथ कोई अग्नि तत्व के व्यक्ति देते हैं, ठीक है, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा वो, मतलब कहते हैं कि अग्नि तत्व के साथ इनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी होती है, इनका मेल काफ़ी अच्छा होता है। और भी तत्व हैं जिनसे इनकी अच्छी बनती है, लेकिन क्योंकि इनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है किसी ऐसे चीज़ों के लिए जहाँ पर अटैच हो जाते हैं, ये अटैचमेंट फील करते हैं इमोशनली, ठीक है। तो इतना मुझे ऐसा लगा यहाँ पर कि बताना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए जो ये तत्व है वायु तत्व। सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तित्व में। देखिए, यदि हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है यहाँ पर, जैसे मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो मिथुन राशि के हैं ना, उनके लाइफ में लंबे समय से कुछ निगेटिविटी थी और ये जो निगेटिविटी थी वाकई में निगेटिविटी थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ निगेटिविटी थी, उस निगेटिविटी को किसी आपके बहुत ही करीबी व्यक्ति ने, जो ये हो सकता है अगर आप फीमेल पर्सनालिटी है तो किसी फीमेल के द्वारा ही, और अगर आप मेल पर्सनालिटी है तो भी किसी फीमेल के द्वारा ही इस निगेटिविटी को रिमूव किया गया है। मतलब माता जी की असीम कृपा आपके ऊपर हुई है, तब यहाँ पर आपके लाइफ से जो स्टकनेस था, ये स्टकनेस आपकी यहाँ पर हटते हुए नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोगों ने ये सारी चीज़ें महसूस की है। मुझे ऐसा लग रहा है मिथुन राशि और कुंभ राशि वालों के लिए बिल्कुल ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट 2 मंथ में आप कुछ ऐसी चीज़ों का यहाँ पर अनुभव करेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके लाइफ में अभी ये चीज़ें नहीं हुई है, तो नेक्स्ट 2 मंथ में ये चीज़ें आप महसूस करने वाले हैं कि आपके लाइफ में कोई ऐसे प्योर सोल हैं जो, जिन पर माता जी की असीम कृपा है, और इसकी जानकारी आपको होगी क्योंकि उनका चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। कुछ मिथुन राशि वालों के लिए लग रहा है कि आपने अपने जीवन का बहुत बड़ा सच किसी से छुपाया था या आपने छुपाया है, वो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर थ्रोट चक्र मुझे यहाँ पर नज़र आया, या आप बहुत सारी बातें ऐसी करते थे अपने लव्स वन से जहाँ पर यहाँ पर आपको अभी उस बात का गिल्ट है, दुख है, आपको बर्डन है, और ये जो बर्डन है आपके कार्मिक स्थिति की वजह से ही आपके लाइफ में निगेटिविटी हुआ है। अब हम देखेंगे तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको छोड़नी है, ठीक है। वो ऐसी चीज़ें हो सकती है जैसे कि एक हैबिट्स होगा आपका कुछ, और वो हैबिट्स आपके लिए बिल्कुल भी लाभकारी नहीं होगा, वो चीज़ आप छोड़ सकते हैं आने वाले समय में। और आपकी पर्सनालिटी काफ़ी बैलेंस होने वाली है इस बीच में, और आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग आपको मतलब जिसे देखते हैं ना तो काफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है। ये कुंभ राशि और तुला राशि वालों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, अगर ये अपने ऊपर आप कार्य करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा।
अगर आप अपने आप को बैलेंस करते हैं, अगर कोई प्योर सोल आपके आसपास है तो आप उनके साथ उस तरीके से व्यवहार करते हैं, उस तरीके से आप उनको सम्मान देते हैं, वैल्यू करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ये रहेगा। अब हम देखते हैं प्रेजेंट में आप लोगों के लिए क्या रहे। देखिए जैसे कार्ड्स आए थे बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर लग रहा है मिथुन राशि वालों के ऊपर लंबे समय से ये चीज़ें हो रही हैं और कुछ कुंभ राशि वालों के लिए भी लग रहा है मुझे यहाँ पर। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो निगेटिविटी प्रोजेक्शन है जो आपके लाइफ में, या निगेटिविटी फील होता है आपको, या कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं उसमें से जब आप बाहर निकलेंगे ना, तो आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं। आपको ये समझ में आएगा कि आप स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। आप जितना ज़्यादा ये सारे संघर्ष देख रहे हैं, जितना ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा बाद में आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ने वाला है। क्योंकि हम सब ये देखते हैं ना कि जब हम कुछ ऐसी चीज़ों से निकलते हैं, उस चीज़ से ना हम सीख लेते हैं। अगर हम एक स्थान में मुझे ऐसा लग रहा है किसी न किसी के लाइफ में धीरे 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 कुछ चीज़ें अच्छी होती फिर स्टक आता है यहाँ पर, क्योंकि बाधाएं, ये वीडियो बनाने में भी मुझे ऐसी चीज़ों का यहाँ पर सामना करना पड़ा है। तो आपके लाइफ में जो बाधाएं आती है, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग, क्योंकि इतने सारे लोग रहेंगे, कुछ मिथुन राशि वालों के लिए मुझे जो आ रहा है मैं वो ज़रूर कहूँगी, आप माफ़ी प्रार्थना ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुछ कर्ज, कुछ निगेटिविटी ऐसे हैं जो काफ़ी स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब जिनसे ये रेजोनेट करे वही रखिएगा, क्योंकि सबके लिए नहीं हो सकता ये। और कुंभ राशि वालों के लिए ऐसा लग रहा है, आप जो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आपको, आप बहुत एफर्ट करते हैं अपने कार्य में या कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको मिल नहीं पाती हैं, या उस चीज़ में आप आगे बढ़ नहीं पाते हैं, यहाँ पर भी स्टकनेस नज़र आ रहे हैं। फिर मुझे तुला राशि वालों के लिए लग रहा है, आप धीरे धीरे काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं। आपके लिए हर्मिट का कार्ड आया है। आप में से कुछ लोगों को की मुलाकात किसी प्रकाश कार्य सेवक से होगी, मतलब किसी लाइट वर्कर से आप मिलेंगे, किसी मास्टर से, मेंटोर से आप मिलने वाले हैं। प्रेजेंट में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ों का मतलब आपको अनुभव हो रहा है जिसमें आप स्टक महसूस कर रहे हैं, जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ये क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसका प्रश्न का उत्तर आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर में देखिए बिल्कुल जस्टिस का तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा तो लग ही रहा है। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं शनिदेव जी की, है ना, तो हम सबको पता है मिथुन राशि से शनिदेव जी की अढ़ैया जो है समाप्त हो रही है, और कुंभ राशि में शनिदेव जी के साढ़े साथी, तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रहा है। अक्टूबर के मंथ में आप ये महसूस कर सकते हैं कि कुछ कार्मिक स्थिति है जिससे आपको थोड़ा सा, जैसे आप डिस्टेंस कर रहे हैं ना, फिर भी बार बार वो सारी चीज़ें, वो सारी मेमोरी, वो यादें, वो लोग आपको, आपके आसपास आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर कर्मों की शुद्धि है ना। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, तो यहाँ पर मुझे जो दो राशि है मिथुन राशि और कुंभ राशि, उनके लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है, और तुला राशि वालों के लिए आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपके लाइफ में अक्टूबर के मंथ में बैलेंस आ रहा है। बहुत हद तक आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं। आप जब किसी से माफ़ी मांगेंगे, अगर आप नहीं मांग पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो आप परमात्मा जी के सामने में आप माफ़ी प्रार्थना कर सकते हैं, जिसे होपोनोपोनो प्रेयर भी कहते हैं। तो आप जब, जो आपका मन का, जो आपके आत्मा में जो एक बोझ आप महसूस कर रहे हैं, जो मन में, वो सारी चीज़ें हटती हुई नज़र आ रही, और जैसे ही हटेगी आप अपने लाइफ में काफ़ी बैलेंस फील करेंगे। ठीक है, आपके लिए आया है पेशेंस का कार्ड आया है, पॉलिटिक्स का कार्ड आया है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही नज़र आ रहा है। देखिए मुझे यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रहा है वो है मिथुन राशि वालों के लिए है कि आपने बहुत सारी चीज़ें किसी से छुपाई हुई थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत बार टावर मूवमेंट आया है। तो आपको अपनी इस ये जो हैबिट्स है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जिसे आप अच्छे से समझ पाते हैं, लेकिन हो सकता है इसे आप कह नहीं पाते हैं। मतलब इंसान क्या होता है कि अपनी खूबी भी जानते हैं, अपनी वो भी जानता है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब आपके लाइफ में ये सारी चीज़ों को छोड़ने का समय आ गया है। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करते हैं और भूल जाते हैं, इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाला समय इसी पर ही निर्भर आपका करने वाला है। फिर है कि यहाँ पर
कुंभ राशि वालों के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग हैं आपके आसपास जिनकी असलियत आपको नहीं पता है। आप बार बार ये सोचते हैं कि क्या ये लोग मेरे लिए सही हैं। शायद ये कन्फ्यूज़न जो होता है आपका इनर वॉइस आपको बताता है कि ये जो दिखा रहे हैं ये ऐसे नहीं हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं अभी, है ना। और हम देख रहे हैं कुंभ राशि में, जैसे कि मैंने कहा है कि कर्मों की शुद्धि, तो धीरे धीरे आपको लोगों की जानकारी परख होगी, ये चीज़ भी आप सीखेंगे, लर्न करेंगे अक्टूबर के मंथ में बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है तुला राशि वालों के लिए और मिथुन राशि, मुझे तीनों राशि वालों के लिए एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रहा है। जैसे कि ये जो कुछ हैबिट्स है जो कुछ लोग छोड़ेंगे, अपने ही अंदर का कुछ निगेटिविटी है जिसे आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। बार बार लंबे समय से आपके लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है, जिनके लिए ये होगा उन्हें ये कहा जा रहा है अब आप शांत रहिए। अब आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि एक नया है, न्यू चेंज है, ये आप महसूस भी करेंगे। न्यू विजन में नया दृष्टिकोण आपको देखना है, जो दृष्टिकोण है दृढ़ता का, सच्चाई का और पॉजिटिविटी का। अब सारी निगेटिविटी को छोड़ने का समय यहाँ पर आ गया है। अक्टूबर के मंथ में आप लोगों के लिए यह मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है। नवंबर के मंथ में देखिए, बिल्कुल द डेविल का कार्ड आ ही गया। हम देख रहे हैं इस तरीके से कार्ड्स आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप इन सारी स्टक स्थिति को छोड़ देते हैं, आप में से जितने भी मतलब वायु तत्व के हैं, आपको यहाँ पर मुझे जो इंट्यूशन आ रहे वो है माँ काली माता जी की स्तुति कीजिए, प्रार्थना कीजिए और श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आपको पूरे समय करना चाहिए, पूरे तीनों मंथ में आपको करना चाहिए। वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, क्योंकि कोई स्टकनेस ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी खुद की अंदर की भी है, ठीक है, निगेटिव थॉट भी है, कुछ कर्मों की शुद्धि बची हुई है और किसी की निगेटिविटी प्रोजेक्शन भी है ना। ये सारी चीज़ें मिलकर आपको काफ़ी ज़्यादा बर्डन महसूस हो रहा होगा। यहाँ पर हम अगर नवंबर के मंथ में देखें तो कुछ कंप्लीट हो रहा है आपके लाइफ में, कुछ कंप्लीट हो रहा है भले ही धीरे धीरे सही, ठीक है, या धीरे धीरे आप अपने आप को और भी ज़्यादा प्योर करने की, और भी ज़्यादा पॉजिटिव करने की, खास तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए लग रहा है आप अपने आप को और भी ज़्यादा क्लियर करने की। देखिए ये क्योंकि उल्टा आया है फाइटिंग का और सिजोपिनिया, आप काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं हर एक चीज़ में, तो आपको क्लियर रखने की यहाँ पर बोला जा रहा है। आप अपने थॉट को काफ़ी क्लियर रखिए, आप जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें समानता रखिए, ये तीनों राशि वालों के लिए यहाँ पर मुझे आ रहा है। मतलब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं अभी ये कार्य नहीं करूँगा, तो वो कार्य आपको माइंड में भी नहीं करना है, उसको ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अगर मैं बात नहीं छुपाऊँगा, तो वो चीज़ आपको तीनों जगह में करना है। ये नहीं कि आप बोल रहे हैं लेकिन आप कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल भी इस मंथ में मतलब कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये आपका साथ नहीं देगा, है ना, क्योंकि डेविल का कार्ड आ गया है। तो निगेटिविटी यहाँ पर प्रोजेक्शन आपकी लाइफ में जो बार बार हो रहा है, बार बार एक फाइटिंग आपके अंदर ही चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से सीख कर, क्योंकि आपको बाहर निकलना है। तो नवंबर के मंथ में ऐसा लग रहा है किसी भी प्रकार से आपके लाइफ में कुछ ऐसी कार्मिक स्थिति का सामना हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ों पर आपको वर्क करना पड़ सकता है जो आपके व्यवहार में हो, जो आपके अंदर की सोच में हो। मतलब आप बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट करते हैं तो आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप निगेटिविटी आपके लाइफ से जा रहा है। मिथुन राशि कुंभ राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए हम देख रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में अभी आ रहे हैं, स्पिरिचुअल यात्रा में तो अभी आपकी कंडीशनिंग होगी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निकलेंगी आपके अंदर से, वो आंसू के रूप में भी हो सकता है। तो आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में रहिए, पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहिए, क्योंकि थोड़ा धीमा हो सकता है नवंबर के मंथ में। कुछ भी ऐसा मुझे सडन होते हुए नहीं नज़र आ रहा है, काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। अगर कुछ निगेटिव थॉट आप कर रहे हैं तो वैसे ही आप अट्रैक्ट करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा है कि नवंबर के मंथ में पॉजिटिव थॉट कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ रहिए और जितना हो सके उतना अपने आप को दृढ़ रखिए, सत्य बोलिए, सत्य की राह पर चलिए और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ एक लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग भी हो रहा है नवंबर के मंथ में, ठीक है। तो देखिए नवंबर के मंथ का तो
आपने देख ही लिया। अब हम देखते हैं दिसंबर के मंथ में, दिसंबर काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र। दिसंबर के मंथ में आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे सेलिब्रेशन हो सकते हैं, दिसंबर के मंथ में कुछ चीज़ें हो सकती है आपके लाइफ में। स्टार का कार्ड है तो आप में से कुछ लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस मैनिफेस्टेशन की टेक्निक में काफ़ी पॉजिटिविटी रखिए, क्योंकि आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे वही आपके तरफ आएगा। तो जितना ज़्यादा आप पीछे की बातें सोचेंगे उन सारी चीज़ों को आप सोचना छोड़ दीजिए और आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के लिए आपको पॉजिटिव थॉट करना है, क्योंकि दिसंबर के मंथ में कुछ ऐसे लोग आपके आसपास या आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए कहीं ना कहीं कॉल के द्वारा या एग्जॉस्ट आप फील कर सकते हैं। दिसंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा बर्डन आपको हो सकता है, खुद के ही आपको ऐसा लग सकता है कि आप किसी से काफ़ी कंपटीशन कर रहे हैं जो करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है, या कोई और आपसे कंपटीशन कर रहे हैं वो आवश्यकता नहीं है इस तरीके से। और आप में से बहुत लोगों को ये जानकारी होगी दिसंबर के मंथ में कि आपके अंदर एक लाइट छुपा हुआ है, आप एक लाइट वर्कर है, इसी वजह से ये सारी चीज़ें संघर्ष हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे कि कुंडलिनी अवेकनिंग का साइन आपको मिल सकता है दिसंबर के मंथ में। ये हो सकता है तुला राशि वालों के साथ, कुंभ राशि वालों के साथ, मिथुन राशि, तीनों राशि वालों के साथ किसी न किसी के लिए ये जो है मैसेज है। आपका इनर डिवाइन एंड फेमिनाइन जो एनर्जी है वो आपका बैलेंस होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल फील कर रहे हैं। स्पिरिचुअल यात्रा में जो चीज़ें होती है, ड्रीम के द्वारा स्नैक देखना या पशु पक्षियों का आपके तरफ आना, आपके ऑरा का काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होना, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी, इन सारी चीज़ों का ज्ञान आपको होने वाला है, और उसके बाद ये सारी चीज़ों को लर्न करके देखिए, यही कारण है कि अक्टूबर में किस तरीके से आए। अक्टूबर में आपको जानकारी होगा कि किस चीज़ों को आपको छोड़ना है, ठीक है, कौन से कार्मिक स्थिति है, कौन सी निगेटिविटी। और नवंबर के मंथ में वो फिर से प्रोजेक्शन हो रहा है कि फिर से आपको याद दिलाया जा रहा है कि वो चीज़ फिर से नहीं करना है आपको, जो चीज़ें आपके लिए नहीं है, है ना, जो निगेटिव थॉट आपके लिए नहीं है, आपको बिल्कुल सही राह पर चलना है। तो ये चीज़ें आपको बार बार बताई जा रही है। अब दिसंबर के मंथ में आपको ये पता चलेगा कि आपके अंदर खुद ही एक लाइट है, तो आप इस वजह से दोनों प्रकार के लोग आपके आसपास आ रहे हैं, निगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो आपको ये बैलेंस करना है। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस है, ये कार्ड बैलेंस भी बताता है, ठीक है। तो आपको ऐसी किसी भी चीज़ों को, किसी भी स्थिति को याद में भी नहीं लाना है जिससे कि आप डिसबैलेंस हो जाए, खासतौर पर मिथुन राशि वालों के लिए लग रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए आप शायद, हो सकता है कि दिसंबर के मंथ में आपको कुछ ज़्यादा वर्कलोड हो या बहुत ज़्यादा थॉट करें आप पर्सनल लाइफ के लिए, तो आपको यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि एग्जॉस्ट आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं दिसंबर के मंथ में। और तुला राशि वालों और के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने बारे में कुछ चीज़ों की जानकारी होगी जो होगी 4 तारीख को, 4 तारीख को, 9 तारीख को, 22 तारीख को, यहाँ पर बहुत ही क्लियर जो है एनर्जी रिसीव हो रही है। अब हम आपके लिए देखेंगे डिवाइन गाइडेंस। देखिए मिला जुला है और जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रिजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट रीडिंग फिर आपके लिए हो सकती है ना। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए, माता जी का गॉडेस गाइडेंस कार्ड से निकालते हैं दो कार्ड। देखिए आप तीनों जो भी मिथुन तुला कुंभ राशि वाले हैं उनके लिए इस तीनों महीने में आपको मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है, माता जी की कृपा है आपके ऊपर। हमने शुरू में ही देखा है कुछ कार्मिक स्थिति जा रही है, कुछ स्टकनेस जा रहा है, कुछ निगेटिविटी जा रहा है, तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई मतलब म्यूजिक लगा कर सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको ना खुद के बारे में कुछ गलत कहना है, ना ही अपने अपनों के बारे में। हो सकता है देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा पहचान नहीं हो पा रहा, जिसे हम देख रहे हैं कार्मिक और सोल कनेक्शन में, तो कभी कभी आप अपने सोल कनेक्शन का दिल दुखा देते हैं। यहाँ पर यह चीज़ भी आपको नहीं करना है, इस चीज़ों के लिए आपको अपने माइंड को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स और शांत रखना है, जिसके लिए यहाँ पर कंपैशन का कार्ड आया है, जिसके लिए आपके लिए मेडिटेशन का कार्ड आया है। आपको ग्रीन तारा मंत्र लगाकर सुनना चाहिए इस बीच में,
ऐसा भी मुझे देखिए, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है आपके लिए। आपके लाइफ में कोई ऐसी फीमेल पर्सनालिटी की एंट्री हो सकती है या ऑलरेडी आपके लाइफ में है जो काफ़ी स्पिरिचुअल है, वो उनके मार्गदर्शन से अगर आप चलेंगे तो आपका ये जो नवंबर का मंथ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा स्टकनेस का लग रहा है, वो उस मंथ में आपको ज़्यादा मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। आप में से कुछ लोग अपने आप को पहचान पाएंगे, आप में से कुछ लोग जो कुंभ राशि के हैं वो खुद ही एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, अगर आप मेल हैं तो भी, अगर आप फीमेल हैं तो भी, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। और बाकी मिथुन राशि और तुला राशि वालों के लिए, आपके लिए एक मार्गदर्शक आ रहे हैं, आपके लिए एक मेंटोर आ रहे हैं, और आप उनका जितना, जैसे हम कहते हैं ना, सम्मान करेंगे उतना ही आपका जो गुरु ग्रह है वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि बलिष्ठ होगा, ठीक है। और उसके बाद आपके लाइफ से जो निगेटिविटी या जो स्टकनेस है, जो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नज़र आ रही है, वो चीज़ आपको स्टक करके रखा हुआ है ना, वो उस चीज़ से आप निकलेंगे। शायद आप कभी सिर भी पकड़ लेते होंगे कि मेरे लाइफ से संघर्ष जाता ही नहीं है, कुछ समय के लिए जाता है फिर आ जाता है। तो ये यही कारण है कि स्टक आप खुद करके रखे हैं, स्टक आप हो जाते हैं, थोड़ी सी चीज़ों में आप बहुत डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो आपको बैलेंस रहने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। बाकी आपकी रीडिंग भी काफ़ी अच्छी हुई है यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। अब हम साईं बाबा जी का मार्गदर्शन लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी लोग आप में से जो सोचते हैं कि हमारे लाइफ में कभी कुछ ठीक होता ही नहीं है, होता है तो फिर से ऐसा हो जाता है। यहाँ पर कट क्लियर कैंसिल कहा जा रहा है। अपनी स्मृति में अच्छी चीज़ों को सोचिए, अपने सोल फैमिली को पहचानिए, अपने सोल मेट के साथ काफ़ी पॉजिटिव रहिए, काफ़ी सम्मान दीजिए, और जितनी भी निगेटिव हर एक चीज़ जो अपने मन में, कभी कभी क्या होता है हमारे मन में ही बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारे माइंड में ही बहुत सारी निगेटिविटी होती है, उन सारी चीज़ों को आपको कट क्लियर कैंसिल करने के लिए कहा जा रहा है। और स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, तो पूरी तरीके से आपको डिवाइन जी पर भरोसा रखने के लिए कहा जा रहा है। ये जो तीन मंथ है आपके लिए, पूरी तरीके से आप जितना ज़्यादा अपने इष्ट देव जी के, जितना ज़्यादा अपने गुरुदेव जी के शरण में रहेंगे, और जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छा फील करेंगे। नवंबर के मंथ में आपको बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको निगेटिव लोगों से, निगेटिव बातों से आपको इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए यहाँ पर, बस ये है। बाकी अक्टूबर का मंथ और दिसंबर का मंथ तो आपके लिए मिला जुला नज़र आ रहा है। आपके लिए बस यही मार्गदर्शन आ रहा है कि जितना पॉजिटिव, जितने दृढ़ता के साथ रहेंगे, और यहाँ पर मुझे बिल्कुल यही लग रहा है, माँ काली माता जी के पूरी तरीके से शरण में रहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आपको पूरे 3 महीने करना है, और काफ़ी सात्विक आहार व्यवहार विचार के साथ रहिए। टेक केयर।